बालों को नेचुरली मॉइस्चराइजर रखने के लिए एक चम्मच मेथी दाने को आधा कप सरसों के तेल में डालकर पकाएं। 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकाने के बाद तेल को छान लें और उसे हेयर वॉश से पहले एक घंटे तक बालों में लगा रहने दें। फिर नेचुरल शैम्पू से बालों को धोएं, इससे स्कैल्प की नमी बरकरार रहती है। मुट्ठी भर कड़ी पत्ते को धोकर एक कटोरी में सरसों के गर्म तेल में डालें, फिर 2 से 3 दिन तक भीगे रहने दें। इस तेल को दिन भर धूप में रखने के बाद इसे बालों पर अप्लाई करें, इससे बालों की मजबूती बढ़ने लगती है। साथ ही कड़ी पत्ते में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बालों का संक्रमण से बचाव कर हेयर फॉल से भी बचाता है। 2 मुहे बालों की समस्या बढ़ने से हेयर ग्रोथ प्रभावित होने लगती है। ऐसे बालों को हेल्दी बनाने के लिए सरसों के तेल में कलौंजी मिलाकर लगाने से बालों को मजबूती मिलती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन के गुण बालों को हेल्दी बनाते हैं। मौसम बदलने के साथ बाल झड़ने लगते हैं। बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए सरसों के तेल में कड़ी पत्ता मिलाकर बालों में लगाएं। सरसों के तेल में मौजूद विटामिन और मिनरल्स की मात्रा स्कैल्प के पीएच को मेंटेन रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद प्रोटीन की मात्रा बालों को मजबूती प्रदान करती है। मोटापे से परेशान है और इसे दूर करने के लिए अब तक कई उपाय कर चुके हैं, तो अब आप ये एक उपाय करके देखें। इसके लिए आपको 1 नींबू का रस 1 गिलास पानी में प्रतिदिन खाली पेट पीने से मोटापा दूर हो जाता है। ऐसा 3 महीने तक नियंत्रित करना चाहिए, आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। जीरा धनिया और अजवाइन लाभदायक है। जीरा धनिया अजवाइन और सौंफ के मिश्रण की चाय बनाकर पिए। आप इसे भोजन के बाद पानी में उबालकर घुट घुट कर पी सकते हैं। तुलसी नींबू अदरक की बिना दूध वाली ब्लैक टी पिए। आग में जल जाने पर अगर कच्चे आलू को पीसकर उसका रस निकालकर उसे जले हुए स्थान पर लगा लिया जाए तो काफी ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा इमली की छाल जलाकर उसका महीन चूर्ण बनाकर अगर जले हुए भाग पर लगाया जाए तो इससे भी आराम मिलता है। लौकी को सुखाकर नारियल तेल में उबालें। इस तेल को छानकर बोतल में भर लें। इस तेल की मसाज करने से सफ़ेद बाल काले होने लगते हैं। यदि बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो जायफल का चूर्ण और सोंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में लें। फिर इस मिश्रण की 3 चुटकी गाय के घी में मिलाकर सुबह शाम बच्चे को चटाएं। उल्टी दस्त की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो इसके लिए आप पके हुए अनार के फल का जूस गुनगुना करके 1-1 चम्मच पी सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और आप इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें, आप हल्दी के सेवन से आसानी से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, रोजाना आप दूध में हल्दी डालकर पिए तो ये आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। दूध प्रोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है। इसमें हल्दी को मिलाया जाए ये दुगना असर करता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो मसल्स में आई सूजन को कम करने में फायदा दिखाती है। इतना ही नहीं, हर दिन एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। मुंह की बदबू से परेशान है तो दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रखें, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाती है। रात को सोने से पहले तलवों पर सरसों के तेल की मसाज करने से भी समस्या दूर होती है। कुछ दिन ऐसा लगातार करने से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। कई लोगों को मुंह से बदबू आने की समस्या होती है, ऐसा किसी बीमारी या ठीक से मुंह की सफाई ना करने के कारण होता है। ऐसे लोग दूसरे से बात करने में झिझकते हैं, इसलिए मुंह की बदबू से छुटकारा पाना बेहद जरूरी होता है। मुंह की बदबू खत्म करने के लिए दालचीनी का टुकड़ा अपने मुंह में रखें, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाएगी। जायफल को पानी में घिसकर लकवे से प्रभावित शरीर के अंगों पर रोजाना लगाना चाहिए। 2 महीने तक ऐसा करने से देखा गया है कि अंगों में जान आ जाने की संभावना हो सकती है। अगर आप काले होंठ की समस्या से परेशान हो तो बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट की जगह घर में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करें। जी हाँ, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ गुलाबी होने लगते हैं। इसके अलावा नाभि में तेल लगाने से भी काले होंठ की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। साथ ही इसे लगाने से फटे होंठों की समस्या भी ठीक होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है तो आप बादाम, किशमिश और केले को दूध में मिलाकर पी लिया करें। इससे शरीर को बहुत ताकत मिलेगी और कमजोरी दूर हो जाएगी। गैस की समस्या होने पर कुछ समझ में नहीं आता, कई बार तो गैस इतनी भयंकर बनती है कि सिर तक चढ़ जाती है।
इससे तुरंत राहत पाने के लिए आपको दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ देर के लिए गैस से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन घरेलू नुस्खे से आप तुरंत राहत पाने के साथ समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। इसके लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं, फौरन आराम होगा। अगर आपको मस्सों की समस्या हो रही है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्याज बहुत ही मददगार हो सकता है। ऐसे में प्याज का रस लगाने से मस्सों के छोटे छोटे टुकड़े होकर गिर जाते हैं। जुकाम ठीक करने का काढ़ा, जीरा, सौंफ, अजवाइन 1/2 चम्मच, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 1 चम्मच, दालचीनी 1 चम्मच, काली मिर्च चुटकी भर 2 ग्लास पानी में ये सभी डालकर 1 ग्लास पानी होने तक इसे उबालें, फिर इसे धीरे धीरे चुस्कियां लेकर इसे पिए। तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको दवा नहीं बल्कि सेब की जरूरत होती है। जी हाँ, दर्द से राहत पाने के लिए सेब को छीलकर बारीक काट लें, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं। आपकी त्वचा पर जहाँ भी पुराने निशान हैं, रोजाना मसाज से कुछ ही समय में वे हल्के होने लगेंगे। जायफल से मालिश करने से रक्त संचार भी बेहतर होगा और शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। लगातार खांसी आ रही है तो तुरंत ही थोड़ा सा कच्चा जीरा मुंह में चबा लें, खांसी बंद हो जाएंगी। धूप की वजह से मुंह काला हो गया है तो बेसन और हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाएं, आपका चेहरा निखर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और आपकी उम्र भी कम लगे तो इसके लिए हल्दी के पानी का सेवन करें, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला तत्व फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, इसलिए इसका सेवन नियमित रूप से करें। खून साफ ना होने की वजह से समय समय पर फोड़े हो जाते हैं, ऐसे में नीम की पत्तियों को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाने से फायदा होगा। साथ ही इसके पानी से चेहरा साफ करने से मुहासे नहीं निकलेंगे। अगर आपके नाखून बहुत कड़े हैं तो उन्हें काटने से पहले हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर हाथों को भिगोकर रखें और 10 मिनट बाद उन नाखूनों को काट दें, इससे सारे नाखून आसानी से कट जाएंगे। अचानक से उल्टियां लग जाती है तो थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक या फिर सफ़ेद नमक जीभ पर रख कर चाट लें, तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर किसी को डेंगू बुखार है उसे पपीता के पत्तों का रस पिलाना चाहिए, वो जल्दी ठीक हो जाता है। बहती नाक से परेशान हो तो सफ़ेदा का तेल रुमाल में डालकर सूंघें, आराम मिलेगा। कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाएं, बाल सफ़ेद से काले होने लगेंगे। बैंगन के भरते में शहद मिलाकर खाने से अनिद्रा रोग का नाश होता है, ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें। संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार 1-1 कप पीने से गर्भवती की दस्त की शिकायत दूर हो जाती है। पेट में बहुत ज्यादा रह कर दर्द हो रहा हो तो कच्चे सुपारी को तोड़कर उसे 1 कप गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर घोल कर रखें। अब उसे धीरे धीरे पीने से पेट का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। किसी को भी जॉन्डिस होने पर गन्ने का रस पिलाना सबसे फायदेमंद होता है। जॉन्डिस में जितना जल्दी सर्दी होती है जॉन्डिस ठीक हो जाता है। अगर बुखार आने के बाद मुंह का स्वाद बिगड़ गया है तो एक लौंग मुंह में रखकर चूसें और बाद में इसे चबाकर खाएं। गर्भवती महिला जब माँ बनती है तो उसे गर्म पानी में अजवाइन डालकर पीना चाहिए। इसमें 2 फायदे हैं, प्रसव के बाद महिला का पेट बाहर नहीं आता और बच्चे भी माँ का दूध पीते हैं तो उनके पेट में भी दर्द नहीं होता है। चेहरे की रंगत निखारने के लिए मसूर की दाल को दूध में फुलाकर फिर उसे पीसकर चेहरे पर लगाकर 10 मिनट रहने दें, फिर पेस्ट सूख जाने पर रगड़कर पानी से साफ कर लें। किसी भी साबुन या फेस वॉश से ज़्यादा काम की चीज़ है, इससे चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। दांत में कभी पीलापन दिखाई दे तो नमक में 2 बूंद सरसों का तेल डालकर दांतों पर 4-5 दिन लगातार घसने से दांतों का पीलापन दूर हो जाता है। रात को सोने से पहले स्किन की नियमित मसाज करने से स्किन को कई फायदे मिलते हैं। हालांकि स्किन की मसाज करने के दौरान ध्यान रखें कि मसाज तेज ना करें। दुबले पतले लोग को खजूर के साथ भुने हुए चने का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और शरीर की कमजोरी भी दूर होने लगती है। काली मिर्च को चिमटी से पकड़कर आंच की लौ पर जलाकर उसका धुआं सूंघने से हिचकी रुक जाती है। आंख में मच्छर चला गया हो तो उल्टे पांव पीछे की तरफ चलना शुरू कर दें। दूध एक बेहतरीन क्लींजर होता है, बाजार के किसी भी महंगे क्लींजर से बेहतर कच्चा दूध होता है जो आपकी त्वचा को साफ करने और उसे पोषण देने का काम करता है। दूध में लैक्टिक एसिड है जो आपकी त्वचा से डेड स्किन को हटाने का भी काम करता है। अब एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर रुई की मदद से इसे पूरे चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट बाद रुई से ही अपना चेहरा साफ कर लें।
ये आपके चेहरे की सारी गंदगी को गायब कर देगा और वो भी बिना नेचुरल ऑयल को हटाए। संतरे के रस में नमक और काली मिर्च डालकर प्रतिदिन पीने से कुछ दिनों के बाद ही नजर की कमजोरी दूर हो जाती है। लकड़ी के कोयले को महीन पीस कर छान ले, इसे ताजा घाव पर छिड़कने से रक्त बंद हो जाता है। ज्यादा हिचकी आ रही है तो नाक बंद करके 3 बार थूक निकलने से हिचकी आना बंद हो जाती है। खट्टी डकार आने लगे तो 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पीस कर उसमें काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से आराम मिलता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।